यहाँ पे आप तभी किसी से चैट कर सकते हैं जब सामने वाला ऑनलाइन होगा। जब तक सामने वाला ऑनलाइन नहीं है तब तक आप यहाँ से किसी से चैट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर आपने कोई भी चैट किया है ना तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, फॉरवर्ड नहीं कर सकते उस मैसेज को। हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू यूज टेलीग्राम, यानी टेलीग्राम यूज कैसे करें। देखो, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट थोड़ा डिफरेंस है। खैर, अभी मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरीके से जो है आप प्रॉपरली यूज कर सकते हैं टेलीग्राम को। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो है आप अपने टेलीग्राम पे आ जाओ और यहां पे देख सकते हो कि कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख रहा है ना। तो अगर आपने अपने कॉन्टेक्ट का परमिशन दे दिया है तो सारा कॉन्टेक्ट आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा। ओके, तो चलो अब हम एक एक करके सबको समझते हैं। तो किसी भी कॉन्टेक्ट के अंदर आ जाओ और यहाँ पे देख सकते हो कि एज इट इज ये व्हाट्सएप की तरह ओपन हो गया, जिस तरह से व्हाट्सएप में होता है। अगर आपने कभी व्हाट्सएप यूज किया होगा तो देखा होगा यहाँ पे जो है मैसेज टाइप करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर जो है हम किसी को फोटो, वीडियो या फिर लोकेशन, कॉन्टेक्ट कुछ भी शेयर कर सकते हैं। ऊपर में देखो ऑडियो कॉल करने का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर आओगे तो देखो यहाँ पे वीडियो कॉल करने का ऑप्शन आ रहा है। सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है। चलो बैक चलते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिनको एक एक करके समझते हैं। तो देखो यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन है, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख रहा है ना। ऊपर में तीन ऑप्शन है और नीचे कुछ कॉन्टेक्ट्स है। अब ये कौन से कॉन्टेक्ट्स है, तो ये वो कॉन्टेक्ट लिस्ट है जो अभी रिसेंट टेलीग्राम पे ऑनलाइन आए थे। देख सकते हो सबका लास्ट सीन यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे तीन ऑप्शन कौन सा है इनको समझते हैं। सबसे पहले न्यू ग्रुप, न्यू सीक्रेट चैट और तीसरा जो है न्यू चैनल, है ना। तो देखो न्यू ग्रुप में क्या हो सकता है कि आप जो यहाँ पे अपना ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कि आप जो है किन किन मेंबर्स को यहाँ पे ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं। सिंपली से उनको सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे नेक्स्ट करो। उसके बाद जो है आपको अपने ग्रुप का नेम डालना है और यहाँ पे अगर आपको ग्रुप का प्रोफाइल पिक्चर लगाना है तो सिंपली से यहाँ पे क्लिक करो और आप जो है डायरेक्टली अपने फोन के कैमरे से पिक्चर क्लिक कर सकते हैं या फिर अपने गैलरी से यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे ओके कर दो तो आपका जो है ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है न्यू सीक्रेट चैट। तो अभी मैंने आपको जो चैट दिखाया वो और ये काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी के साथ जो है पर्सनली चैट कर सकते हैं, लेकिन वो चैट और ये चैट में काफ़ी डिफरेंस है। ये जो है काफ़ी ज़्यादा एकदम इसमें सिक्योरिटी लेस है। कैसे, देखो यहाँ पे आप तभी किसी से चैट कर सकते हैं जब सामने वाला ऑनलाइन होगा। देख सकते हो कि नीचे यहाँ पे वेटिंग लिखा हुआ है। जब तक सामने वाला ऑनलाइन नहीं है तब तक आप यहाँ से किसी से चैट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर आपने कोई भी चैट किया है ना तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, फॉरवर्ड नहीं कर सकते उस मैसेज को, ठीक है। और इसका जो है आप इसके सर्वर को ट्रैक भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो ये कम्प्लीटली एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, तो बहुत ही ज़्यादा ये सिक्योर है। आप अगर किसी के साथ पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन होगा, ठीक है। अब तीसरा जो है ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है न्यू चैनल का। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है चैनल क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं चैनल का और बगल में इमोजी का भी ऑप्शन है, तो इमोजी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। और सेम यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो या तो आप अपने मोबाइल के कैमरा से डायरेक्टली पिक्चर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप अपने फोन के गैलरी से कोई पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर दो तो यहाँ पे आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली चैनल क्या है, तो देखो चैनल एक्चुअली एक कम्युनिटी है। इस तरह से समझ लो कि अगर आप एक टीचर हैं तो आप अपने एक स्टूडेंट्स का कम्युनिटी बना सकते हैं। अगर आप एक मार्केटर या फिर बिजनेसमैन है तो अपने कस्टमर का जो है कम्युनिटी बना सकते हैं। इस तरीके से जो है चैनल का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और देखो इसके नीचे में एक ऑप्शन है यहाँ पे कॉन्टैक्ट का, ठीक है। ये जो आइकन दिख रहा है ना, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो अगर आपका कोई नया नंबर है जो टेलीग्राम पे सेव नहीं है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली नंबर को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम डालो, लास्ट नेम डालो, कंट्री सेलेक्ट करो, अब मोबाइल नंबर डालो और यहाँ पे ओके कर दो तो आपका जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेव हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में देखो यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, ये आपको होम स्क्रीन पे भी ये सर्च ऑप्शन मिल जाएगा। खैर मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो यहाँ पे क्या सर्च कर सकते हो। अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई है जो इसका नाम तो पता है बट आपको वो मिल नहीं रहा है तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप ग्लोबली कोई भी ग्रुप या फिर कोई भी चैनल जिसका चैनल का नाम आपको या फिर किसी ग्रुप का नाम पता हो तो आप यहां से सर्च कर सकते हैं और डायरेक्टली यहां से जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां का फिलहाल हमने सारे ऑप्शन को समझ लिया है। अब हम चलते हैं बैक और होम स्क्रीन पर आते हैं।
अब देखो ये पेंसिल का आइकन तो हमने समझ लिया और ये जो सर्च का आइकन है इसको भी हमने समझ लिया अंदर में, ये सेम है। ओके अब यहाँ पे देखो थ्री लाइन बचा हुआ है, इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर में क्या कुछ है सब कुछ हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है पहला एक ऑप्शन ऊपर में मिलता है डे नाइट मोड, ठीक है। अगर आपको नाइट मोड चाहिए तो टैप करो नाइट मोड हो जाएगा, अगर डे मोड चाहिए तो टैप करो डे मोड हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी दे रहा है जो मैंने अभी ब्लर करके रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो है न्यू ग्रुप का। तो अभी जो मैंने आपको बताया पेंसिल वाले आइकन के अंदर में कि न्यू ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, ये सेम ऑप्शन है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इसको जो है स्किप करते हैं। अब देखो सेकंड में एक ऑप्शन दिख रहा है आपको कॉन्टेक्ट्स का। जैसे इसके अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट दिखेगा, ऊपर में दो ऑप्शन दिख रहा है इन्वाइट और आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा है फाइंड पीपल नियर बाय। तो देखो इन्वाइट फ्रेंड्स में क्या होगा कि इस पर जब से टैप करोगे तो जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स में है जिनके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप उनको इन्वाइट कर सकते हैं कि हाँ भैया मेरे पास टेलीग्राम है, आ जाओ आप भी इंस्टॉल करके मेरे लिंक से और हम लोग यहाँ पे चैट करेंगे या बातें करेंगे या बिजनेस करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है फाइंड पीपल नियर बाय, इसका मतलब है कि आप अपने लोकेशन के थ्रू जो है अपने नजदीक के लोगों को जो है यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे परमिशन देके आप यहाँ पे जो है फाइंड कर सकते हैं उनको। अब देखो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो है कॉल का। अगर आपने किसी के साथ वीडियो कॉल ऑडियो कॉल जो भी किया है वो कॉल का हिस्ट्री इसके अंदर में दिख जाएगा और आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से कॉल उनको फिर से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है वो है पीपल नियर बाय। अभी मैंने आपको बताया किसी पर्सन को ढूंढना है अगर आपको लोकेशन के थ्रू तो ये वही ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे पांचवा जो ऑप्शन है सेव्ड मैसेजेस का है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी के साथ अगर आप किसी के साथ टेलीग्राम में चैट कर रहे हैं और आपने किसी मैसेज को सेव कर दिया है तो ये यहाँ पे सेव्ड मैसेजेस के अंदर में आपको दिखेगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे छठा जो ऑप्शन है वहाँ पे सेटिंग्स का है। जब इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको प्रोफाइल पिक्चर का एक ऑप्शन, सेट प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप अपने टेलीग्राम का प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। अपने फोन के गैलरी में होगा तो या फिर डायरेक्ट अपने कैमरा से पिक्चर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है यूजर नेम का। अगर आप अपने टेलीग्राम का कोई यूजर नेम रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं अपना कोई भी यूजर नेम। और नीचे में एक और ऑप्शन दिख रहा है आपको बायो का। आप अपने बारे में कुछ भी लिखना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि मेरा मतलब क्यों मैंने ये टेलीग्राम बनाया है, ठीक है, मेरा क्या पर्पस है, अपने बारे में शॉर्ट में कुछ इन शॉर्ट बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके नीचे कई सारे और भी सेटिंग्स हैं जो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है, अपने चॉइस के हिसाब से। तो ये था पूरा ओवरऑल। अभी रुको, मैं अभी फिर से चलता हूँ होम पे, ठीक है। अब देखो सारा ऑप्शन जो है मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ये पेंसिल आइकन भी क्लियर कर दिया है, ये जो सर्च का ऑप्शन था ये भी मैंने बता दिया, ये कॉन्टेक्ट से क्या होता है, ये थ्री लाइन में क्या होता है, सारा कुछ जो है मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से जो है आप टेलीग्राम को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई ऑप्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं समझने में दिक्कत है यार, कमेंट कर देना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना भूलना मत। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आपका जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। और हाँ, यहाँ पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जो भी आपको जानना है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।